कृषी विपणन आणि रोगासंबंधित माहितीपूर्ण व्हिडिओ बघण्यासाठी कॉटन गुरु यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि नवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. लिमिटेड अकोट महाराष्ट्र से हैं. इस कंपनी से इनके डायरेक्टर्स अजाज खान और अयाज खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं. जगन बागड़े जो उनके और एक डायरेक्टर हमें कुछ देर में जुड़ने की संभावना है. तो अजाज जी और अयाज जी आपसे बात करेंगे. आकोट एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में कुछ बताइए. कब बनी थी ये कंपनी और कितने उसमें मेंबर्स हैं, कितने गांव में हैं, क्या प्रोडक्ट्स आप ले रहे हैं जी? कोई भी एक जन आप में से बताइए. अयाज जी बताइए. आप अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं. आपके फोन में नीचे देखिए लेफ्ट साइड की तरफ एक बटन दिखेगा. आप हाँ दबाइए. हेलो. हाँ जी बताइए. सर हमारी कंपनी की स्थापना फरवरी 2015 में हुई थी. ओके. हाँ सर. और अभी 501 फार्मर्स हमारे सभासद है. बहुत बढ़िया. क्लिनिक ग्रेडिंग का सर प्लांट है हमारा. हाँ. और नाफेड की खरीदी वगैरह मिलती है हमको. सोयाबीन में हम प्राइवेट में काम करते हैं. एनसीडीएस में हो या लोकल व्यापारी हो या फिर एनसीडीएस के प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो, बस ये काम है सर अभी हमारे. वेरी गुड. एनसीडीएक्स में आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं. हाँ सर. हम इनडायरेक्टली एनसीडीएक्स में काम कर सर. हम कैसा है एक जो लोकल यहाँ के डीलर है उनके माध्यम से एनसीडीएस में सोयाबीन लगाते हैं. अच्छा. डायरेक्ट हाँ डायरेक्टली कैसा है सर पेमेंट कंडीशन में हम थोड़े लेट हो जाते. हाँ पेमेंट कंडीशन में लेट किस तरह हो रहे हैं? क्योंकि एनसीडीएस की तो टर्म्स तो फिक्स है, उस महीने के अंत में आपको तो आपका साइकिल के हिसाब से तो पेमेंट मिलना ही है. सर, तो लेकिन फार्मर्स एक महीने तक वेट नहीं कर सकते ना. बरोबर है. हाँ तो बीच में 1% लेस करके हम जो बचोली बीच के जो दलाल होते हैं उनको 1% लेस करके हम पेमेंट डे टू डे या आफ्टर 3 डेज ऐसे कलेक्ट कर लेते हैं पेमेंट. बरोबर है. हाँ. तो एनसीडीएक्स में आपके नाम से लगता है या उनके नाम से लगता है? हाँ कभी हमारे नाम से आपके नाम से लगता है ना? ओके ठीक है. आपके नाम से लगता है और वो जो बीच वाले होते हैं वो अपना 1% कमीशन काट के आपको पैसा दे देते हैं. हाँ हमको पैसा दे देते हैं जो आप किसानों को दे देते हैं. है ना. अब धीरे धीरे आपने देखिए यहाँ तक तो आपने शुरुआत कर दी है ना. और ये 1% का फर्क है समझे ना आपके और एनसीडीएक्स के भाव के बीच में. आईटीसी में काम करने का सोच रहे थे. हाँ बरसात की वजह से क्वालिटी नहीं होने में काम नहीं हो पाया. लेकिन अभी हम स्टार्ट करने की यानी नेक्स्ट वीक में स्टार्ट करेंगे. अभी सोयाबीन हमारे फार्मर्स का कुछ हमने पहले से ही सोयाबीन स्टोर कर रखा था और अभी रेट भी अच्छे हो गए. शायद 4400 के रेट चल रहे हैं अभी आईटीसी. इनके रेट अच्छे हैं. बराबर है. दिवाली के बाद से रेट अच्छे हुए सर. सोयाबीन में इस साल पीरियड बहुत अच्छा है. क्रॉप कम है और विदेश से भी माल थोड़ा लेट से आ रहा है. मेरे ऑफिस से अभी 5 मिनट पहले एक सोयाबीन के बहुत बड़े इम्पोर्टर यहाँ से निकले हैं. वो 1.5 घंटे से ऑफिस में बैठे थे और वो हमसे सोयाबीन मांगने आए थे कि आप सोयाबीन का एक सप्लाई चेन हमको सेट करके दीजिए तो हमारी रोज की 1000 टन की बाइंग है. अच्छा. मतलब भविष्य में मार्केट सोयाबीन के अच्छे होंगे. हाँ आज तो अच्छे हैं और आज ये मौका है. भविष्य में अच्छे रहेंगे तो और अच्छा है. लेकिन हमें क्या फायदा होगा अगर हम आज काम नहीं करते हैं? भविष्य में समझो ये 60 रुपया हो जाए या 100 रुपया हो जाए, पर अपने को क्या फायदा अगर हमारे हाथ में ये व्यापार नहीं आया तो? इसीलिए तो सर इसी रेट में ही हमको स्टार्ट करना है नेक्स्ट वीक में. यस इसी रेट में स्टार्ट करेंगे तो 2-5 रुपए भी बढ़ते हैं तो फायदा मिलेगा. उसमें कैसा सर एज एन एवरेज काम हो जाता है. अगर 5000 रुपये हुए या 4000 रुपये भी हुए तो अपने को 45 के तो रेट मिल ही जाते हैं ना उसमें. बिल्कुल.
और शुरुआत तभी होती है जब लोगों को बेचना होता है, जिस दिन कोई बेचना ही नहीं चाहेगा। एक बार ये 50 रुपए क्रॉस कर गया सोयाबीन, 5,000 रुपए क्रॉस कर गया अगर, तो कोई बेचना ही नहीं चाहेगा, तब फिर व्यापार कैसे करेगा। अब वो फार्मर को फिर आशा हो जाती है कि 5,500 होगा, फिर 6,000 होगा। आशा नहीं, गारंटी हो जाती है। आशा हाँ, तो भी है, जो भी है। जैसे सर अभी कॉटन हो जाएगा, गारंटी हो जाएगी, अब 6,000 होने ही वाला है करके। अभी सर कॉटन में भी वही पोजीशन है, पहले 4,500 से कॉटन बेचे फार्मर ने, और आज 5,500-5,700 में भी बोलते हैं नहीं 7,000 के रेट होने वाले हैं। सही बात है। और पेपर वाले, टीवी वाले सब उसमें आग में घी डालने का काम करते हैं। बिल्कुल, सब आज मैंने उनको कुछ पॉलिटिशियन दो हैं। हाँ दो पेपर की न्यूज देखा मैंने आज के, कपास के भाव 6,000 को ऊपर जाएंगे क्यों अभी नहीं, पांच उन्होंने 1 महीने पहले कहा ये। नहीं, आज आज या कल के भी कुछ दो पेपर में न्यूज आई नहीं है। नहीं मैं बोल रहा हूँ कि पेपर वाले इतना जानते हैं ना, तो 1 महीने पहले क्यों नहीं बताया और क्यों नहीं रोका उन किसानों को बेचने से। मत बेचिए, 6,000 होने वाले हैं। नहीं तो सर फिर जो व्यापारियों ने 4,500 की कपास ली, उनको फायदा कैसे होता था। सही बात है ना, आज के हाँ व्यापारी ले नहीं रहा है। आज 6 का 7,000 भी बोले तो क्या फर्क पड़ता है, फिर जब हाँ लेवाली रुकेगी एक और एक यही 6,000 वाले को 5,000 में बेचना पड़ेगा ना। एक एक ये गिनर कोई ने भी सर बाजार दो एक दो साइड हमेशा नहीं चल सकती ना, वन साइड तो एक कुछ नहीं एक चलता। हाँ जिनर के जो पास पड़ता में है दो एक दो दिन कम हजार होने का है, बेल जो कम हो रहा है वो एक दिन तो बढ़ने वाला है। इसके साइकिल को सही जगह पे पकड़ना जरूरी है। आप चढ़ते सितारे को पकड़ेंगे ना तो आपको इसमें नफा होगा। कमोडिटी का हाँ व्यापार इसी तरह होता है, शेयर का व्यापार भी इसी तरह होता है, कोई भी व्यापार इसी तरह। चढ़ते बाजार में आपको एंटर करना है, एक ट्रेन हाँ सही उतरते बाजार में एंटर करेंगे तो आपको आप सेलर है तो बात अलग है, सिर्फ बेचने वाले, लेकिन आपको सामने कुछ खरीदना है किसानों से, फिर वहां आपको धोखा होगा, है ना। तो ये बाजार सर अभी हमारे चढ़ता बाजार है। हाँ फार्मर की तो हमारी पॉलिसी ये होती है कि हम 50 रुपये पर क्विंटल कंपनी का प्रॉफिट लेते हैं, और बाकी जो उसको खर्च होता है वो लगा के जितना पेमेंट बाकी रहेगा, जैसे 44 में अगर आपने फार्म सौदा बेचा है ITC को, हाँ तो जितना पैसा बाकी रहेगा वो पूरा का पूरा फार्मर को देते हैं, फिर वो उसको 43 के आ जाए रेट आ जाए, या 43 और 70 के बीच के आ जाए। हम पहले बहुत अच्छा। कंडीशन कर लेते फार्मर से कि अपन हाँ ये 10 टन का एक लॉट ये रेट में बेच रहे हैं, आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे क्या, उसको इतना बराबर। खर्चा है और ये 50 रुपये कंपनी का प्रॉफिट रहेगा, तो बराबर अगर फार्मर ने जो फार्मर ने डन किए तो उस हिसाब से हम सौदा आगे लिख देते हैं, एंड उसमें बराबर हमारा है, कंपनी का लॉस नहीं होता, और वहीं से पेमेंट आने के बाद में हम फार्मर को पेमेंट रिलीज करते, सही बात है। आप हद और आप तक का हम कोशिश भी फार्मर करते हैं को ना कि हाँ फार्मर कंपनी को का जल्दी कंपनी का पेमेंट। हाँ कंपनी का चेक दे देते सिक्योरिटी के लिए, हाँ उस पर एक दिन आगे की डेट डाल देते हैं, और जैसे ही पेमेंट आया उनको फोन करके मैसेज दे देते कि आप चेक लगा लो, आप पेमेंट आप रिलीज कर लो, और कुछ पेमेंट हम कंपनी के पास में रखते हैं। कोई फार्मर ऐसा होता है कि नहीं भाई मुझे कैश चाहिए, या सेम डे का चेक चाहिए, तो उसको सेम डे का देते हैं, अच्छा, वो सब ऐसा ये करते हैं। हाँ थोड़ा रोटेशन चलाते हैं हमारा। बहुत बढ़िया। तो अभी देखिए 5 साल हो गए आपको, है ना। हाँ सर कुछ मतलब आप दूसरे FPOs के कंपैरिजन में आप थोड़े अनुभवी FPO हैं, हाँ सर तो थोड़ा ये तो बताइए कि होगा इसमें जो आप व्यापार कर रहे हैं, इसमें आपका कितने महीने व्यापार नॉर्मली चलता है? 12 महीने में से कितने महीने व्यापार रहता है? सर। अभी तक तो हमने सिर्फ सोयाबीन में ही व्यापार किया, और 2 साल पहले हमारा सोयाबीन का जो व्यापार था वो तकरीबन अक्टूबर महीने से स्टार्ट हुआ था, लेकिन लास्ट ईयर भी बरसात की वजह से सोयाबीन डैमेज होने में हम कर नहीं पाए, और इस साल अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाए, लेकिन अब मॉइस्चर भी कम हो गए सोयाबीन के, क्योंकि पैरामीटर में सोयाबीन का होना जरूरी है, बहुत वरना जरूरी क्लेम है। बहुत लगता है उसको, तो अब हाँ, अगर और स्टार्ट क्लेम होते में हैं ही हम तो ऐसा फिर लग किसान, अभी यही बात मैं पूछने वाला था कि सोयाबीन में नॉर्मली 10-98-2 चलता हाँ दस है दो ना, दो बराबर है, तो 10-10% मॉइस्चर चलता है, और यहीं पे क्लेम आता है ज्यादा से ज्यादा। तो इसको आप हाँ किस तरह फेस करते हैं नॉर्मली? मतलब अगर बायर के पास आपका अगर मॉइस्चर 2% ज्यादा आ गया तो क्या वो किसान उसका भागीदार बनते हैं या किस हाँ तरह काम बनते हैं करते हैं? बनते हैं। बनते कैसा हैं है ना। सर, हम जब सोयाबीन के पहले सैंपल बुलवाते हैं फार्मर्स से, और मॉइस्चर मीटर में उसको तभी हम चेक करते हैं उसी के सामने, उसको बोलते हैं कि तेरे सोयाबीन में 12 मॉइस्चर है, और तकरीबन एट ए टाइम हम 4-5 जो फार्मर्स उसमें मटेरियल लेने वाले हैं उन सबको साथ में बुलाते हैं, फिर किसी का 11 मॉइस्चर होता है, किसी का 13 होता है, किसी का 10 होता है, तो हम उस टाइम पर इसको सेट करते हैं कि आपको 1% का क्लेम होगा, आपका 3% का क्लेम हो सकता,
और जब लैब की रिपोर्ट आ जाती है कि आप गाड़ी को आपके 2% क्लेम लगा या 1% क्लेम लगा, तो एक हम उसका ढेर बनाते हैं पूरे माल का, उसका पाला काटते ढेर का, और फिर वो पूरे ढेर का सैंपल हम जगह जगह से लेके उसका भी मॉइस्चर चेक करते, तो फिर हमको उसका अंदाजा आ जाता है कि ये गाड़ी को अपने को 2% क्लेम आएगा या 3% आएगा या 1% आएगा। बराबर है। उस हिसाब से हम फार्मर को पहले एग्री कर लेते हैं कि आपके इसमें मॉइस्चर है, हो सकता है आपको 3% मॉइस्चर आएगा। पर ये और तो अगर आप सबका, माल तो अब हीप में डल चुका है, हाँ अभी अभी वो किसान नहीं माने तो कि मैं नहीं मानता 3%। नहीं, वो 3% नहीं माना तो फिर हम उसको बोलते हैं तो सुखा कर ला उसको, तो नहीं, 10% पर मॉइस्चर कर उसका। माल तो आप ढेर में डाल चुके हैं ना, उसका माल नहीं, हम पहले सैंपल बुलवाते हैं सबसे। सैंपल बुला के जब आप टेस्ट करेंगे तभी उसको बता देते हैं कि हाँ, उसको तीन तभी बता परसेंट देते हैं तुम्हारा हम कि क्लेम है या तुम्हारा दो हाँ परसेंट है या 4% है। हाँ या 4% है, जिसका 2% से ऊपर है वैसे तो हम उसको बोलेंगे। उसके बाद आप ढेर लगाते हैं, वो मान जाता है तो हाँ उसको बोलते हैं ढेर में माल को खाली करते हैं, आप हीप बनाते हैं और हीप को फिर आप काटते हैं आगे हाँ से, है ना। बिल्कुल, प्लेट काटा कर लेते हैं उसका, और हाँ उसका वेट आ जाता है पूरा, और उसके बाद उसको ढेर में कर देते हैं। वैसे जो फार्मर किसान को मानते ऐसा है हैं कि फार्मर को ये उसी बात का माल पता खाली रहती, करते हैं। हाँ जो मान गए उसका खाली करते हैं, या अगर ये कंडीशन में नहीं हुआ तो फिर हम उसको बोलते हैं एक काम करो ओपन मार्केट में रेट बोलो आपकी सोयाबीन की। अगर वो बोलता है भाई ये 4200 रुपया, हमको ऐसा लगा कि ये 4000 में लेना चाहिए, 4050 में, तो उसको कंपनी के नाम से हम खरीदी कर लेते हैं। ओके, फिर उसका कोई रोल नहीं मॉइस्चर का या क्लैम हाँ फिर का या घट मॉइस्चर से का। संबंध ही नहीं है उसका। हाँ हाँ फिर संबंध आपने नहीं आपने समझ के लिया कि इतना मॉइस्चर आने वाला है और उसने समझ के लिया कि से। जो है मैंने बेचा है, हाँ बराबर है। तो ये सब वैसे बिलिंग कैसा है सर कि एप्स के ऊपर जैसे होता है। हमारी क्रॉप तैयार होना शुरू होती है तो तभी से हम फार्मर्स के कांटेक्ट में रहते हैं। जैसे हमारे जितने फार्मर्स थे हम उनको पहले बोल चुके थे कि सोयाबीन अगर अच्छा है तो बेचो मत, उसको सुखा और बराबर। रहने दो। वैसे कॉटन को लेकर भी हम उनको बार बार मैसेज करते रहे कि कपास मत बेचो, उसको 2 दिन की धूप दो और रख दो। हाँ अगर किसी को कोई पेमेंट वगैरह की गया तो एक दूसरे से एड्रेस भी करवा के देते हैं। जैसे अभी लाइन पर जगन भाव नहीं जुड़ पाया, आज अकोला गए हुए थे वो, अच्छा, हाँ एक पुरस्कार के संबंध में उनको मीटिंग में जाना पड़ा शायद कलेक्टर साहब के, वो रास्ते में थे, वो मैंने कांटेक्ट किया था उनसे, वो बोले मैं टाइम पर पहुंच के जुड़ना चाहता हूँ। ऐसे फार्मर्स हैं हमारे के अगर अगले फार्मर्स को किसको 25-50 हज़ार रुपये 1 लाख की ज़रूरत है तो एक कंपनी में पहले पैसा हम डाल लेते हैं और वो फार्मर्स को पैसा दे देते हैं कि अभी तुम तुम्हारा काम कर लो लेकिन बेचो नहीं, रोको उसको। सही ऐसे बात कुछ है। फार्मर हमको कॉपरेट करते हैं और कुछ नहीं भी करते हैं उसमें। नहीं ठीक है ना, वो तो सब तरह के फार्मर होते हाँ हैं। हमारी कोशिश तो ये रहती है कि फार्मर का भी फायदा और एफपीओ को तो पैसे का बिजनेस मिले, है ना। हाँ तो ये वैसे बहुत थोड़ा अच्छी सा बात है। हमने हमारे अपने रूल्स बना के काम करने की कोशिश कर रहे सर अभी। और इसमें सोयाबीन में तो आपको थोड़ा सक्सेस मिला है, इस साल अभी शुरुआत करनी है, पर हाँ 2-3 साल से तो आप एटलीस्ट सोयाबीन में ये कर रहे हैं। हाँ सर 3 साल पहले बहुत अच्छा काम हुआ था हमारा, तकरीबन हमने 17 लॉट बेचे थे सोयाबीन के। अच्छा, ओ हाँ सोयाबीन में कैसा बराबर था है। उस साल खाली मिट्टी की प्रॉब्लम थी, मॉइस्चर का कुछ था ही नहीं, और क्वालिटी बेस्ट थी। जो अगर किसी की इसमें मिट्टी है तो हमारे पास में मशीन तो है ही, हम उसको मशीन से क्लीन कर लेते थे और बिल्कुल हफ्ते में 2 लॉट 3 लॉट 10-10 टन के हम इजीली बेचते थे। अच्छा, 2 साल से थोड़ा बरसात की वजह से प्रॉब्लम हो जा रहा। बराबर है। पर हाँ इसका कुछ कुछ तो सोयाबीन तो ऐसे सॉल्यूशन है होगा, कि तो बरसात है तो आपके पास है, तो आपके आसपास के बहुत सारे क्षेत्रों में भी बरसात है, बिजनेस सभी एरिया तो में। आप भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, कोई ना कोई रास्ता हाँ तो, बरसात हो या ना हो, अपने को निकालना तो पड़ेगा ना, बिजनेस छोड़ कैसे सकते हैं बताइए। नहीं बिजनेस नहीं छोड़ेंगे वो, इसीलिए हमने हमारे कैसा था 2 दिन 3 दिन जिसको धूप दे के रख सकते हैं वो सब फार्मर का हमने सोयाबीन रोक लिया। और हम कैसा पहले से जैसे आपकी कॉटन गुरु की मीटिंग है वैसे जो आईटीसी के है या एनसीडीएस के माध्यम से है, मार्केट के ऊपर हम थोड़ी वॉच रखते हैं इसमें। बहुत हमको अच्छा, पता था कि दिवाली के बाद से शायद मार्केट प्लस हो जाएंगे। बराबर। हाँ तो ऐसा हुआ भी, 200 रुपये 300 रुपये से मार्केट प्लस चल रही है आफ्टर दिवाली, सही बात ये है। पिछले हफ्ते में ही 200 रुपये से ज़्यादा प्लस हो गए मार्केट। तो अब सोच रहे हैं हम कि अगले मंडे से या अगले सैटरडे फ्राइडे से स्टार्ट करेंगे सोयाबीन। हाँ बस यही आईटीसी के हम बात कांटेक्ट में ही हम, है, अकोला में ही आईटीसी के सेंटर भी है इस बार। अच्छा लोकल अकोला हाँ में है क्या, हाँ लोकल अकोला में, इसीलिए हम इस बार आईटीसी के साथ में काम करने की मूड में हैं। बराबर है। नहीं करना भी चाहिए, और आपको कोई भी दिक्कत आती है या आपको उनसे कांटेक्ट करने के टाइम पे कहीं कुछ आपको गाइडेंस की जरूरत हो तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं।
हाँ सर बिल्कुल, है ना। तो कोटुंग गुरु महापीयू फेडरेशन आपके साथ में है और आपके हित में ये कॉन्ट्रैक्ट हो, ये हम पूरी कोशिश करेंगे, है ना। प्लस सर जैसे मैंने अपना बताया कॉटन गुरु का प्लेटफॉर्म है। हेलो जी, हाँ बोले ना। आप सभी कमोडिटी में काम करते हैं या सिर्फ कॉटन में ही? नहीं नहीं बहुत सारी कमोडिटीज में करते हैं, इसलिए तो मैंने आपको सोयाबीन के बारे में इतना सब बताया ना, है ना। तो अभी जो मैंने बताया, क्योंकि अभी सोयाबीन का बायर यहाँ से गया, अभी एक उससे पहले एक टर्मरिक का बायर था, वो उसको जो चलता है वो सैंपल देके गया। हल्दी में हम फिंगर फॉर्म और पाउडर फॉर्म दोनों में काम करते हैं, वो अभी सैंपल रख के गया कि इस टाइप की मुझे क्वांटिटी चाहिए एक्सपोर्ट के लिए। कॉटन में सर आप जो कॉटन सीड होता है या रुई जिसको अपन बेल्स कहते हैं, इसके इसके भी काम करते हैं? हाँ बेल्स का तो मुख्य काम है ना, बेल्स का मुख्य काम है। हाँ बेल्स का मुख्य काम है। हमारी जो कंपनी 117 साल पुरानी है वो बेसिकली कॉटन में ही सबसे पुरानी है, फिर हमने उसको अभी डाइवर्सिफाई करके दूसरे प्रोडक्ट्स में भी किया है, लेकिन कॉटन तो हमारा सबसे पुराना और सबसे बड़ा ऐसे सर कंपनी के माध्यम से गट क्षेत्र में हमने गट के ऊपर जिनिंग प्रेसिंग का प्रोजेक्ट अभी मशीनरी वगैरह फिट करने के हमारे काम चल रहे हैं, हो सकता हम मार्च या अप्रैल महीने में स्टार्ट हो जाए। स्मार्ट में डाला है क्या आपने? नहीं नहीं अभी काम चल रहा है, अभी मशीनरी बुक किया है हमने, शेड वगैरह फाउंडेशन वगैरह। नहीं नहीं तो ये आपने किस में, गट शेती प्रोजेक्ट में किया है कि स्मार्ट में किया है? नहीं गट शेती में किया है। अच्छा ओके, हाँ गट शेती में किया है, क्योंकि गट शेती में भी 60% अनुदान है। हाँ गट शेती में 60% अनुदान है, कुछ अनुदान मिला है पहले, 60% है। हाँ पहले स्टेप का अनुदान मिला है, अभी लेट होगा लेकिन हमने हमारे कुछ पैसा खुद का कलेक्ट करके हम अभी काम स्टार्ट, कारण हाँ। कैसे था हमको को इस सीजन के लास्ट तक हमारा जीनिंग स्टार्ट करने का मूड में हम, तो ऐसे पोजीशन में सर जैसे हम कॉटन की बेल्ट बनाते हैं या कॉटन सीड होता है तो आप उसको बेच सकते हैं 110%। मतलब कॉटन कपास में से आप बेल कब बनाना है, कितना बनाना है, क्या भाव का कपास है तो आपकी बेल क्या भाव बिकेगी, पूरा गणित हमारे यहाँ एनालिसिस डे टू डे होता है, रोज रोज के हिसाब से। ऐसा नहीं कि अचानक कभी एक दिन किया, ये रोज सुबह शाम होता है। तो कब कपास खरीदना चाहिए, खरीदने के पास उसको कब बेचना चाहिए और क्या सही दाम है, अब यहाँ से बाजार बढ़ेंगे या कम होंगे, ये एनालिसिस सतत मतलब कंटिन्यूस चलते रहता है हमारे यहाँ। हम जो कॉटन गुरु में हम मैं जो हूँ वो भारत का एकमात्र कॉटन वैल्यूअर हूँ, तो इससे कपास की कीमत के बारे में जानकारी बहुत आसानी से हम लोग, सब कुछ दलाल के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं हाँ, करता सब दलाल पर डिपेंड होता है, अगर अपने पास में उसकी सरकी हो या रुई बेल तैयार हो तो दलाल के ऊपर कब डिपेंड होता है, जब आपको जानकारी ना हो तो आपको दलाल गाइड करता है। हम ये कोशिश करते हैं कि आपको भी जानकारी हो ताकि आप अच्छा दलाल चुन सको, है ना। दलाल चुनना भी एक जैसे जीवन में एक अच्छा गुरु मिलना मुश्किल है ना, ऐसे कमोडिटी में एक अच्छा दलाल मिलना मुश्किल है। सही बात है, वो आपकी तरफ से बात कर रहा है कि सामने वाले की तरफ से, आपको 2-3 साल तक नहीं पता चले, बहुत नहीं पता नहीं चले। हाँ तो वो दिखाएगा कि आपका ही दलाल है लेकिन काम किसी और का कर रहा है, तो उसका आपको जब तक जानकारी नहीं हो ना उस कमोडिटी की, तब तक आप दलाल से भी अच्छा सौदा नहीं उतार पाएंगे। हाँ उसके लिए सर मेन कैसा है कि फ्यूचर मार्केट और जो अभी का करंट मार्केट है ये दोनों के ऊपर अपनी बारीक वॉच होना जरूरी है, जानकारी होना और जैसे प्रोफेशनल्स के साथ में जुड़ना, ये बहुत 25,000 रुपए के रेट चल रहे हैं या 26,000 के चल रहे हैं या 20,000 के या 50,000 के, ये अगर अपने जानकारी नहीं फिर दलाल जो बोलेगा अपने लिए वही पूर्व दिशा हो जाती है। बिल्कुल, इसी के मैं पूछ रहा था कि अगर हम उस पोजीशन पर आ जाते हैं तो कॉटन गुरु हमारी हेल्प करेगा उसमें 110%। इसीलिए ना आपको आज यहाँ पे निमंत्रित करने का मेन कारण यही है कि कॉटन गुरु महा एफपीओ फेडरेशन जो है वो बहुत सारे एफपीओ को जोड़ के बना है, और हमें सीसीआई के कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के 3 सेंटर इस साल खरीदी के लिए मिले हैं, जो इतिहास में पहली बार हुआ है। हाँ धामन गांव या कहीं पर से भी तो एक कॉल आया था कपास के लिए शायद, कॉटन गुरु के माध्यम से बोले अपने एमएसपी रेट में हम कपास की खरीदी कर रहे हैं। सामन गांव मिला है, वणी मिला है, हाँ, और बुकरदेन मिला है। तो मैंने उनको बताया था कि सर अभी जो ओपन मार्केट में इतना उछाल आया है इस पोजीशन में हम आपको नहीं दे पाएंगे एमएसपी रेट में भी कपास, और वैसे भी सर हमारे जो हाँ चाहते हैं कि किसानों को सबसे ऊंचे भाव मिले। आज 4,000 4,500 में भी
किसान ने बेचा है तब भी हम किसान को रोक रहे थे कि एमएसपी के लिए थोड़ी राहत देखिए, सरकार कुछ दिनों में खरीदी शुरू करने वाली है। ये आज तो से एक महीने पहले हमने वेबिनार लिया था। हाँ, थाबन गांव में जो सेंटर मिला है तो उनके पास में जिनिंग प्रेसिंग का पूरा प्लांट है क्या? हाँ, जिनिंग प्रेसिंग का प्लांट खुद का नहीं है, लेकिन एक जिनिंग प्रेसिंग सीसीआई ने और एपीएमसी ने मिलकर हमें दी है कि आपका सब माल कॉटन गुरु महा एफपीओ फेडरेशन में जितने भी एफपीओ रजिस्टर हो रहे हैं उनका सब माल एक ही फैक्ट्री में जाएगा। अच्छा, और कोई लाइन लगानी नहीं है, मतलब दूसरे 5,000 किसान एक तरफ और हमारे 50 किसान एक तरफ। तो सर फ्यूचर में ऐसा एमएसपी मार्केट हमको भी मिल सकता है फिर, अगर सीसीआई मिल के सकता साथ है ना, हम आप जुड़ेंगे तो 100% मिल सकता है। आपका जिनिंग प्रेसिंग फैक्ट्री सीसीआई के अंतर्गत आपके ही एफपीओ का माल और आपके जैसे और 10 एफपीओ जो आकोट एरिया में है उनको मिला के आपकी देखिए फैक्ट्री चला ना, तो कुछ खाने का काम नहीं है। फैक्ट्री के लिए बिजनेस प्लान होना जरूरी है। बिजनेस क्योंकि व्यापार अलग बात है, आज किया कल नहीं किया ये अपनी मर्जी का सवाल है। आपने गत वर्ष में सोयाबीन का बिजनेस नहीं किया ये आपकी मर्जी थी, पर उससे नुकसान तो नहीं हुआ ना, फायदा नहीं हुआ अलग बात है, पर नुकसान भी तो नहीं हुआ। तो फैक्ट्री में ऐसा नहीं है, तो हम इसीलिए एफपीओ को सरकारी खरीदी का अनुभव देना चाहते हैं। जिस तरह नाफेड खरीदी करता है उसी तरह पहले साल में इस साल सीसीआई ने भी इसी तरह हमारे प्रपोजल देने के बाद हमें ये 3 सेंटर दिए हैं। उन्होंने अपने इतिहास में पहली बार किसी किसान के ग्रुप को या किसान के फेडरेशन को ये काम सौंपा है, और 3 सेंटर ही हमने मांगे थे, उन्होंने 3 दे दिए हमें। हम 5 मांगते तो शायद 5 देते, पर हमें 3 ही चाहिए थे क्योंकि पहला साल था, हम धीरे धीरे चलना चाहते हैं। और अगले वर्ष ये काम अगर सही इस साल कर दिखाया तो नेक्स्ट ईयर वो 15-20 सेंटर में भी बदल सकता है। तो हर 5 बड़े एफपीओ के बीच में एक सेंटर हो सकता है, उसमें एक सेंटर आकोट भी हो सकता है। मतलब नाफेड जैसा महाफार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को काम देता है वो हमको देती है, ऐसा सीसीआई ने कॉटन गुरु को दिया और अपने सेंटर को दिया है। हाँ, पर हमने अभी तक कोई इस साल पैसे की लेन देन सीसीआई के साथ में नहीं हुई है, क्योंकि उन्होंने पहले ही साल मान्यता दी है कि चलो हम एफपीओ को मानते हैं। अभी अब तक तो मानते ही नहीं थे वो कि एफपीओ से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा इंडिविजुअल किसान से ही लेना देना है, हम उसी से काम करेंगे, उसी से बात करेंगे और उसी से व्यवहार करेंगे। पहले साल उन्होंने माना कि नहीं हम एक एफपीओ के फेडरेशन से काम करेंगे, और हमने बोला कि हम आपके टर्म्स पे काम करेंगे, लेकिन एफपीओ हमारा होगा, जगह हमारी होगी, सेंटर हमारा होगा और एक फैक्ट्री देनी होगी आपको जहाँ पे ये माल जाएगा, जहाँ पे हम ब्रांडेड कॉटन आपको बनाने में मदद करेंगे। तो इस तरह ये एक मॉडल प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, अगले साल ये बहुत सारे सेंटर्स पे काम शुरू होने वाला है। अच्छा है ना सर, अपने पर विश्वास किया है सीसीआई ने, ये अभी यही बहुत बड़ी बात है। हाँ, सक्सेस तो होना ही है सर। हाँ, सही बात है। हाँ, सक्सेस होना ही है, इसको करके दिखाना है, क्योंकि क्या है ये आगे चल के एफपीओ के लिए बहुत बड़ा एक बिजनेस मॉडल बन सकता है। आप जब भी फैक्ट्री डालेंगे, सीसीआई में फैक्ट्री रजिस्टर कराई, तो आपका कपास दूसरों का कपास होगा, आपको प्राइवेट ट्रेड को देना, हमारे पास बहुत सारे प्राइवेट खरीदार हैं और उनको हम आपका माल प्रीमियम में बिकवा सकते हैं, इस साल भी बिकवा सकते हैं। तो वहाँ उनके लिए माल आपको कपास की गांठे बनानी है वो बनाइए, हम आपको प्रीमियम में बिकवा देंगे आपका माल। तो ये चॉइसेस तो बहुत है आपको। आज अभी बीएससी वाले हमारे साथ जुड़े हैं, जैसे एनसीडीएक्स में आप कपास के लिए जुड़े थे किसी के साथ, बीएससी वाले जुड़े हैं, आप एक्सचेंज में जमा दीजिए, आपके बाजू में यवतमाल सेंटर है उसका भाड़ा, मतलब वो जो आज क्या क्या बेनिफिट देने वाले हैं वो आज आपको बताने ही वाले हैं। तो भाड़े तक में थोड़ी राहत है, वेयरहाउस कॉस्ट नहीं है और टेस्टिंग चार्जेस नहीं है, मार्जिन मनी नहीं है एफपीओ के लिए, इतने सारे फायदे एफपीओ के लिए हैं। और तो आपको एक्सचेंज में भाव अच्छे लगे, जैसे एनसीडीएक्स में कपास के लगते हैं वैसे यहाँ पे रुई के भाव अच्छे लगे, तो आप एक्सचेंज में जमा कर दीजिए, उसकी साइकिल को सही पकड़ लिया ना तो आपको पेमेंट टर्म भी इतना लंबा नहीं होता, आपको फाइनेंसर चाहिए फाइनेंसर मिल जाएंगे। तो बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है और हम ये ऑप्शन कंटिन्यूस आपको 12 महीने देते रहेंगे कि आपके लिए कौन से प्रोडक्ट में आज की तारीख में क्या क्या ऑप्शन है, ये 12 महीने ही काम चालू रहेगा। ये तो वेबिनार आपसे जुड़ने का एक जरिया है कि आपसे जुड़ना है, माध्यम है। पर अब जुड़ने के बाद आप अगर कॉटन गुरु महा एफपीओ फेडरेशन के मेंबर बनते हैं और आपके फार्मर भी मेंबर बनते हैं तो कंटिन्यूस बिजनेस साइकिल आपके साथ चलने रहेगी। कल आपको सीड खरीदना है, फर्टिलाइजर खरीदना है,
ट्रैक्टर खरीदना है, स्प्रेयर खरीदना है, इसमें डिस्काउंट नेगोशिएट करने, आप अकेले किधर किधर पहुंच सकने वाले हैं। लेकिन हमारे पास आप जैसे और 50 FPO हैं, आपको खरीदना है समझो 500 बैग सीड का, हम सब FPO को पूछेंगे आपको कितना खरीदना है, आपको कितना खरीदना है, तो 500 500 500 करते 10,000 हो जाएगी, तो 10,000 बैग पे डिस्काउंट भी बड़ा मिलेगा, जो जो बड़ा डिस्काउंट मिलेगा वो सभी में बटेगा, उसमें कुछ कमीशन FPO को भी जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि FPO को उस डिस्काउंट में से कुछ कमीशन भी बचे, ताकि कुछ कमाई आपकी हो, बहुत सारा फायदा फार्मर को और बेस्ट प्रोडक्ट मिले, है ना। अभी तो इस बार मार्केट में लेने जाते हैं तो वो चीज जेन्युइन है कि नहीं है तो अपने को पता ही नहीं रहता है। बराबर। हम सर खरीफ सीजन से इनपुट में भी काम स्टार्ट करेंगे, हमारे पास लहसुन वगैरह सब ओके होगा उसके भी। बहुत बढ़िया। और क्या है कि अभी अमरावती में तो FPO ने क्या कर लिया है, 12 FPO ने मिला के एक समूह बना लिया है, और 12 या 12 FPO एक साथ में हमको बाइंग इंक्वायरी देते हैं। अच्छा। और हम उनको एक साथ में माल लेके देते हैं। ऐसे आपके आसपास के FPO को भी आप जमा कर सकते हैं, काफी किसानों की इंक्वायरी आपके पास आती है। ऐसे 5 FPO अगर आकोट में है तो 5 FPO की इंक्वायरी मिला के आपने हमको दी, तो अपनी ताकत बढ़ेगी बात करने की कंपनी से। हाँ सर बराबर। हम तो आपके CEO बन के काम करेंगे, जो काम करेंगे आपके लिए करेंगे, कंपनी के साथ में आपका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होगा और कॉन्ट्रैक्ट भी डायरेक्ट होगा। तो FPO को उतना ही फायदा होगा और किसान को बचत होगी। हाँ उसमें दोनों के फायदे हैं सर, फार्मर्स को बचत भी होती है और FPO को फायदा भी होता है। हाँ, और साथ में जो मेन काम है ना, सीड फर्टिलाइजर आपको जेन्युइन मिले ना, तो आपको यील्ड बढ़ाने के लिए, उत्पन्न बढ़ाने के लिए 50% आप जंग जीते। और सर उसमें कैसा है कि हमारे FPO का जो संगठन है उसमें भी थोड़ी बढ़ोतरी हो रही है ना, जैसे नाफेड के माध्यम से हम सदस्य बढ़ाने, ऐसे ही जब हम फर्टिलाइजर में काम करेंगे और कुछ फार्मर्स को 50 रुपये कम से भी बैग मिला तो अपने से जुड़ता है ना फिर वो 100% आपकी ताकत कितनी बढ़ जाएगी, है ना। हाँ। तो राजेंद्र कॉटन गुरु महा FPO फेडरेशन क्या करता है, वो चार्ट दिखा सकते हो क्या, जो जो हम करते हैं हमारे FPO के लिए? कॉटन बेल्स आपको बनानी हो, मतलब प्राइवेट में बेचना है, BSE में बेचना है, या फिर MSP में सरकार को बेचना है, इसका हर एक का टाइमिंग हम आपको सेट करके देते हैं कि क्या बेस्ट टाइम है इसके साथ में काम करने का, और क्या सही कॉन्ट्रैक्ट है आपके लिए। सीड बेचना है आपको, ये देखिए ये काम करता है, पहले तो कौन कौन जुड़ा है कॉटन गुरु महा FPO फेडरेशन के साथ, एडवाइजरी कमेटी में डॉक्टर सुधीर जी गोयल हैं जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एग्रीकल्चर कमिश्नर रह चुके हैं, डॉक्टर CD मई है, तो बहुत जाने माने साइंटिस्ट है, डॉक्टर केशव क्रांति हैं, वो अभी अमेरिका में हैं पर अपने विदर्भ के हैं, फिर श्री चंद्रशेखर जी हैं जो कमोडिटीज के मास्टर हैं, वर्ल्ड बैंक के एडवाइजरी कमेटी में हैं, गोविंद जी वैराले हैं जो महाराष्ट्र फेडरेशन में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं 15 साल, ये सब महारथी हैं। अच्छा। एक एक जन का 20-30-40 साल का अनुभव है इस लाइन का, ये जुड़े हैं, और 8,000 FPO हैं भारत में, इसमें 4,000 से ज्यादा महाराष्ट्र में हैं। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, खाली 100 से भी कम FPO कंटिन्यू 3 साल में प्रॉफिट कर पाए हैं, और उसके बहुत सारे रीजन है, पर उस रीजन को हम नया ना फोकस करते हुए उसके सॉल्यूशन को हम फोकस करेंगे। आगे दिखाइए, तो कॉटन गुरु महा FPO फेडरेशन का जन्म ही इसी तरह हुआ, बहुत सारे FPO ने बताया हम अकेले इतना नहीं कर पा रहे हैं, आप कुछ बड़ा प्लेटफॉर्म हमको दीजिए जहां हम खेल सके, जहां पे हम बहुत बड़ा ट्रेड प्लान कर सके, और 12 महीने का हमें ट्रेड मिले उसी से बना है कॉटन गुरु महा FPO फेडरेशन। ये चीजें करता है, FPO सटी शाश्वत व्यवसाय योजना बिजनेस प्लान हम बनाते हैं, शासकीय तसेज खासगी खरीदारी विपणन संबंध सुलभ करने, बिजनेस कैसे सेटअप करने का प्राइवेट और गवर्नमेंट एजेंसी के साथ में, कब करने का, कितना करने का, अद्यावाद बाजार अहवाल, ये बहुत कम लोग देते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया कि बाजार बढ़ेगा या कम होगा, माल रखना है या बेच देना है, ये हम कंटिन्यूस, आप अगर कॉटन गुरु के यूट्यूब चैनल देखेंगे तो हमारे वीडियोज कंटिन्यूस अपडेट होते हैं, कंटिन्यूस वेबिनार में हम बताते हैं कि बाजार कहाँ जा रहा है और कहाँ जाने वाला है अगले 1-2 महीनों में, ये बहुत कम लोग बताते हैं। फिर गवर्नमेंट स्कीम में सबसे बेस्ट आपके काम की कौन सी है ये बताते हैं,
लोन चाहिए आपको, फाइनेंस चाहिए तो कहाँ से मिलेगा, क्या सही रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये हम गाइड करते हैं, जरूरत पड़ी तो आपको लेके देते हैं, और सीड और फर्टिलाइजर में डिस्काउंट नेगोशिएट करके देते हैं, स्प्रेयर और ट्रैक्टर मशीनरी में भी डिस्काउंट आपको नेगोशिएट करके देते हैं। उत्पादन और गुणवत्ता, आपका यील्ड और क्वालिटी बढ़ाने में कंटिन्यूस हमारा योगदान रहेगा। आप अगर हमको कुछ एरिया में काम करने दो, 25-50 एकड़ आप बोलो कि एक मॉडल फार्म के रूप में आपको कन्वर्ट करना है, खेती आपकी रहेगी, उसकी कमाई आपकी रहेगी, हम आपको उसको कन्वर्ट करने में मदद करेंगे। अमृत राव देशमुख जैसे किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो 50 क्विंटल से ऊपर का उत्पन्न लेते हैं कपास में, और पर एकड़, हाँ पर एकड़, 50 क्विंटल पर एकड़ या पर हेक्टेयर, पर एकड़, बाप, और ये एक साल नहीं, कंटिन्यूस बहुत साल तक वो लेते आ रहे हैं, है ना। तो ऐसे किसान आज हैं वो इस मीटिंग में, है ना। वो कॉटन गुरु की टीम में हैं और काफी साल से हमसे जुड़े हैं, तो उनसे आप जरूर सवाल पूछ सकते हैं और उनसे ये गुरु की लीक पा सकते हैं कि करते कैसे हैं। तो ये मॉडल फार्म बनाने में कॉटन गुरु प्रदर्शन क्षेत्र हम जिसको बोलते हैं, उसमें हम आपको हेल्प कर सकते हैं। फिर आपके किसानों के संख्या, मेंबरशिप बढ़ाने में आपको मदद कर सकते हैं। तो ये सब चीजें, और हमारा ये सब चीजों में 12 महीने का हम जो दूसरे किसानों के लिए जो हम कर रहे थे, वो 30,000 रुपए की फी, ये सब चीजें करने में बैठ रही थी। हम आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन देंगे, मोबाइल ऐप जिसको बोलते हैं, उसके अंदर काफी सारी सुविधाएं हैं उस मोबाइल ऐप के अंदर, और ये सब सुविधाएं 12 महीने कंटिन्यू आपको चालू रहेगी। हवामान कैसा रहेगा, बाजार क्या है, और रोग जो आपके अगर खेत में दिखते हैं, आप अगर फोटो निकाल के हमें भेज देते हैं तो उस पर इमीडिएट आपको उसका सॉल्यूशन बताने थे कि हम कोशिश करेंगे। बहुत सारे वेबिनार्स में हमने ये लाइव किया है, खेतों में से लाइव वीडियो लेके किसान को उधर का उधर ही सॉल्यूशन बता दिया कि आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। इसके लिए क्योंकि ये सब चीजें हमें कॉस्ट आई है, हमें हमें बहुत सारे लोगों को इसमें जोड़ना पड़ा है, टेक्नोलॉजी जोड़नी पड़ी है, और बहुत सारे विशेषज्ञ इसमें आते रहते हैं हर 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 प्रोग्राम में हमारे। तो इसके लिए छोटे किसान के लिए 12 महीने की फी है 1,000 रुपये, थोड़े बड़े किसान के लिए 6 से 20 एकड़ है तो 2,000 रुपये, और बड़े किसान जो है जो 20 एकड़ से ज्यादा है उनके लिए 5,000 रुपये। ये छोटे किसान के लिए 1,000 रुपये मतलब रोज का 3 रुपया भी नहीं हुआ। इस तरह की सुविधा कितने कम पैसे में मुझे नहीं लगता है कि कोई भारत में देता होगा, और देता होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो ये पर कुछ दिनों के लिए हमने ये छूट रखी है, क्योंकि ये साल कोरोना का साल है, अतिवृष्टि का साल है, इसलिए कुछ दिनों के लिए छूट है। तो ये है कॉटन गुरु महाएफपीओ फेडरेशन आपकी सेवा में एक एफपीओ फैसिलिटेशन सेंटर, आपका सीईओ बन के काम करेगा। इस तरह का कार्ड हम किसानों को देते हैं, ये एक डिजिटल कार्ड है, और धीरे धीरे ये आपका एक आई कार्ड बन के रह जाएगा। आप एपीएमसी में जाइए, किधर भी जाइए, सीसीआई में जाइए, प्राइवेट खरीदार के पास जाइए, ये कार्ड दिखाएंगे, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाइए, तो धीरे धीरे इस पे आपको डिस्काउंट लोड होते जाएंगे और इसका बहुत सारा फायदा आपको आगे चल के होने वाला है। तो इस तरह का डिजिटल कार्ड भी भारत में किसी ने भी अपने किसान मेंबर को दिया नहीं है। ये सब आ गया 1,000 रुपये 1 साल के की मेंबरशिप के अंदर, है ना। और इसमें एफपीओ को हमने पार्टनर बनाया है, जो एफपीओ हमारे साथ जुड़ते हैं उसको 20% का हमने पार्टनर बनाया है। तो जो भी किसान की मेंबरशिप आती है उसमें 20% भागीदारी एफपीओ को जाएगी, ताकि एफपीओ को भी आवक का कुछ साधन रहे, उनके मेंबर की तरफ से वो उनकी रिलेशन और बढ़ेंगे और आवक भी होगी, दोनों चीज आपको साथ। और जब कोई बड़ी बाइंग आएगी ना, तब ये सब चीजें आपको बहुत काम आएंगी। मोबाइल ऐप से बिजनेस करना, मोबाइल ऐप से बाजार की जानकारी लेना, ये सब किसान इतनी दुआ देंगे आपको आगे जाके कि आप सोच भी नहीं सकते इसके बारे में। ये अपेक्षा आपसे है कि जब आपको फिर कल 1,000 क्विंटल कोई चीज जमा करनी होगी ना, आपने ये चीज ऐप पे डाल दी कि हमारी इतनी इतनी बाइंग है, इस गाँव में हम लेना चाहते हैं, तो आपको इतने फोन नहीं करने पड़ेंगे। आपका किसान तुरंत जागरूक हो जाएगा, वो मोबाइल ऐप पे देखेगा कि ये मेरे एफपीओ के लिए वाली है, फटाफट वो आपको कांटेक्ट करेगा। ये सारी एक एक चीज हम इस तरह की
टेक्नोलॉजी के साथ में लाने वाले हैं। और ये सब लॉन्च हो रहा है, मतलब एक एक चीजें शुरू हो चुकी है, गवर्नमेंट की खरीदी शुरू हमारी हो चुकी है। जो हमने आते ही 3 महीने पहले कहा था कि हम इस साल गवर्नमेंट की खरीदी में पूरी जान लगा देंगे कि भी हमारे थ्रू हो करके हमारे एफपीओ को उसका फायदा मिले, और पहले ही साल में वो सीसीआई ने हमें सैंक्शन कर दिया। अभी ऐप और ये डिजिटल कार्ड और डिस्काउंट जो भी आगे चल के आने वाले हैं, ये भी इसी साल में आपको कंटिन्यूस मिलते रहने वाले हैं। अच्छा, तो इसका आप जितना फायदा उठा सकते हैं, आपको आगे इंजीनियरिंग करना है, आपने कल क्षेत्र में प्रोजेक्ट डाला है, इसमें बहुत सारा आपको प्रोफेशनल हेल्प लगेगा। एक दिन फैक्ट्री डालना इतना मुश्किल नहीं है, रोज के 25-50 लाख रुपए का आपको भांडवल उसमें कैपिटल रोज लगेगा उस फैक्ट्री को चलाने के लिए। आप कैसे चलेंगे, खरीदार से कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, क्या सही समय है कपास खरीदने का, सीड किस तरह बेचा जाता है, सीड का बाजार किस तरह चलता है, सीड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, कॉटन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, आप जिसको भी बोलो सब पर्सनली हमें जानते हैं बहुत अच्छी तरह। अच्छा, तो ये सब चीजों का फायदा, और वो हमारे वेबिनार में आके बोल चुके हैं कि अगर कॉटन गुरु के किसान मुझे देते हैं तो मैं क्विंटल का 50 रुपया प्रीमियम देने को रेडी। प्राइवेट इंजीनियर का बोलना है? हाँ, प्राइवेट इंजीनियर नहीं, सीड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने बोला। अच्छा, हाँ, कि कॉटन गुरु के किसान जुड़ते हैं ना हमारे साथ में, तो जो उस दिन सीड का भाव होगा उसके ऊपर 50 रुपया हम आपको प्रीमियम देंगे। प्रीमियम देंगे, बहुत बड़ी बात है, 1 रुपया भी कोई नहीं प्रीमियम देता है बोलने के बाद। पर क्विंटल देते हैं तो कॉटन के ऊपर 70-80 रुपये पर क्विंटल हो जाता ना, हो जाता है ना। बस यही बात है, आप इस बात को समझ रहे हैं, इसीलिए ये बात मैंने आपको कही कि आपको सीधे सीधा कॉटन पे 70-75 रुपए का प्रीमियम मिल गया, समझ इस उतने प्रॉफिट पर तो बिजनेस होता है उसका। हाँ, तो ये आपने अगर 1000 क्विंटल डाल दिया समझो, तो आप सोचिए आप कितने किसानों का फायदा कर सकते हैं, है ना। और कभी भी कपास से गठान में आपको मूल्य वर्धन वैल्यू एडिशन ज्यादा होता है तो कमाई होने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा होते हैं। हाँ, सही बात है ना। और ये समझ के तो आप फैक्ट्री डाल रहे हैं ना। हाँ, है ना। पर इस फैक्ट्री को चलाने से पहले, शुरू करने से पहले, कौन सी मशीनरी आपके लिए आइडियल है, उस मशीनरी में आपको क्या लाभ होने वाले हैं, और वो बायर क्या चाहता है कि कैसी मशीनरी हो आपके पास, ये और कितना माल कहाँ से कब लेना, ये सब चीजें जो है ये आप एक प्रोफेशनल के साथ में जुड़ के ही जान पाएंगे। आप नहीं तो ट्रायल एंड एरर में एक साल में ही आपके बैलेंस शीट में बहुत बड़ा गड्ढा पड़ सकता है। अच्छा, इसमें ट्रायल एंड एरर है ही नहीं, बिकॉज लाखों का सवाल है। हाँ, लाखों का सवाल है, नहीं है ना। नफा होगा तो हजारों में होगा, नुकसान होगा तो लाखों में हो सकता है। हाँ, और समय भी जाता है ना बीच में से, समय भी जाता है, और इसमें आपको मतलब क्वालिटी में भी जरा भी गड़बड़ हो गई तो सीधे सीधे मार आपको ही पड़ेगी। किसान को तो आप बाद में डाल नहीं सकते उनका माल टेस्ट करने का। नहीं, उन पर नहीं डाल सकते, एक बार उनसे जो कंडीशन हो गई सो हो गई, हो गई ना, तो ये प्रॉफिट होगा तो लॉस होगा तो अपना होगा। इसमें प्रीमियम किस तरह ले सकते हैं, प्रीमियम बायर से किस तरह जुड़ सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किस तरह जुड़ सकते हैं, ये सब तरीके हमारे मेंबर्स को हम कंटिन्यूस बताते रहते हैं, जो भी कॉटन गुरु माय एफपीओ फेडरेशन के मेंबर बनते हैं। अच्छा, और बहुत सारे बाहर हैं हमारे पास, मतलब उसके लिए है ना। तो ये सब चीजें हैं, आप भी इसके लिए एक्टिव रहिए थोड़ी, है ना। आप जितना जल्दी आप मेंबर बनेंगे और आपके किसानों को इसमें जोड़ेंगे ताकि बड़ी बड़ी स्कीमों में आपको भी हम सम्मिलित कर सकते हैं जी। और अब जैसे मैंने बताया आपको कि कॉटन गुरु माह एफपीओ फेडरेशन ये कोशिश करता है कि अपने एफपीओ डायरेक्टर्स को सब ऑप्शंस दे दे कि अगर ये बाजार आप मार्केट प्राइस एमएसपी से कम है तो आपको सीसीआई से या सरकार को देना चाहिए, फिर सीसीआई हो या फेडरेशन को, और वो 15 दिन पहले तक का बेस्ट ऑप्शन किसानों के लिए था। आज की तारीख में मार्केट प्राइस बढ़ रहा है, अभी भी गैप है प्राइवेट और एमएसपी के बीच में। आज प्राइवेट बायर 5,700-5,800 में नहीं खरीद रहा है सब जगह, तो गैप तो है 5,600 या 650 तक ले रहा है। हाँ, 600-650 में अच्छी क्वालिटी खरीद रहा है, उसमें भी जरा भी उसको कम ज्यादा लगा तो कटिंग हो सकती है। वो सब किसानों का माल एक साथ एक जगह
नहीं भी जा सकता है, समझा ना, सब जेनर नहीं चालू है उस तक। तो वो ये ऑप्शन है कि भाई आप एमएसपी में दीजिए या तो फिर प्राइवेट ट्रेडर को कपास बेचिए, लेकिन इसमें एफपीओ को कोई फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि ये तो किसान खुद ही कर सकता है। एफपीओ को फायदा कब होगा, जब आपने उसको वैल्यू एडिशन का कोई रास्ता दिखाया कि आप इस कपास में से हम आपको बेल बना के देंगे, हम मार्केट प्राइस से कपास आपसे खरीदेंगे, उसकी बेल बनाएंगे, हम अपना खर्चा निकाल लेंगे उसमें से, मतलब एफपीओ अपना खर्चा निकाल लेगा, थोड़ा अपना नफा भी निकाल लेगा, और जो बचता है वो डिविडेंड के रूप में उन फार्मर में बांट देगा जिन्होंने कपास दिया था। फिलहाल हमने भी यही मॉडल सोच रखा है, यही मॉडल होता है, और ये मॉडल एकदम सही मॉडल है ना, ये फार्म शेयरिंग मॉडल है कि फार्म के प्रोड्यूस में जो फायदा होगा, खर्चा पहले निकालने का, नफा थोड़ा निकालने का, क्योंकि आपको आगे काम करना है ना, तो थोड़ा नफा निकालने का, और जो बचता है वो जिन किसानों ने कपास दिया था, सभी मेंबरों में नहीं बांटने का। सही बात, जो किसानों ने कपास दिया था, जिन्होंने आप पे विश्वास रखा है, उन किसानों में वो डिविडेंड बटेगा ना, तो अगले साल और ज्यादा किसान आपके साथ में जुड़ेंगे। हाँ सही बात है, है ना, क्योंकि बिना काम किए किसी को पैसा मिल जाए तो क्यों काम करना चाहेगा, आप बिल्कुल चाहेगा फिर काम करना। हाँ, तो इस तरह का मॉडल है, इसको कैसे प्लानिंग करना है, क्या है, एक एक स्टेज पे हम आपको हेल्प करेंगे, और कपास में आज क्या भाव चल रहे हैं, बेल क्या भाव पड़ने वाला है, ये सब वर्किंग है। आज बीएसई के भी प्रेजेंटेशन में एक शीट उस तरह दर्शाई गई है कि आप बीएसई के एक्सचेंज पे आप माल जमा करते हैं तो क्या फायदा हो सकता है, तो ये सब चीजें आप कभी भी हमारे प्लेटफॉर्म पे जान सकते हैं, समझ सकते हैं और कर भी सकते हैं। ये इतनी खुली जगह कॉटन गुरु महा एफपीओ फेडरेशन अपने मेंबर्स को देता है, और हर महीने हमारी एफपीओ के साथ में मीटिंग होती है, हर 3 महीने एफपीओ के साथ में जॉइंट मीटिंग होती है, इसमें सब चीजें डिस्कस होती है, जो भी मेंबर बन जाता है वो इस प्लान का एक पार्ट बन जाता है।